आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज़ टीवी में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं कुछ अहम खबरें। सनतनगर डिवीजन दोस्त नूर मोहम्मद कॉलोनी में गुज़िश्ता कुछ महीनों से पीने का पानी में पोल्यूशन आने की वजह से लोगों में बीमारियों का असर हो रहा है और खंभों पे हाई टेंशन वायर्स ज़्यादा हो गए और ड्रेनेज प्रॉब्लम्स बहुत हो गया। सनतनगर ब्रिज के नीचे से यू टर्न लेने की ट्रैफिक ज़्यादा हो गई और गाड़ियों की चोरी भी बहुत हो रही है, जिसके वजह से सनतनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कोटा नीलिमा और मोहम्मद रियाजुद्दीन और बस्ती के लोग मिलके आज वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के साथ दौरा करे हैं, जल्द से जल्द ये काम कराने की बात करे हैं। इस मौके पर पीने का पानी में जो गंदगी आ रही है, ड्रेनेज पूरा मिलके इसके वजह से 3 टैंकर्स पीने का पानी मंगा रहे हैं बस्ती वाले। मोहम्मद रियाज ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताए हैं। इस मौके पर मिर्ज़ा सालार बेग और दीगर लोग भी मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। DNM कॉलोनी सनत नगर से मैं मोहम्मद रियाजुद्दीन। यहाँ पे जो है हमारे पास एक 4-5 साल से पूरा पोल्यूटेड वाटर आ रहा और 10 दिन से कंटिन्यूस हम जो है सो कंप्लेंट कर रहे हैं वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट को। तो आज आके वो लोग जो है सो पूरा इंस्पेक्शन करे, पूरा चेक करे और यहाँ पे ये बस्ती में जो है DNM कॉलोनी में मस्जिद है, ईदगाह है, बहुत घनी आबादी है, लेकिन यहाँ पे कोई भी जो है एक लीडरशिप नहीं है, ना तो कोई पूछने वाला है और जो है सो कंटिन्यूस यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते रहते। तो हम वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट को 10 डेज से कंप्लेंट करें तो आज आके वो लोग पूरा चेक करके पोल्यूटेड वाटर का वो ट्रेस आउट करने की कोशिश कर रहे और हम लोग इन लोग से सबसे कंप्लेंट करें तो यहाँ के एरिया इंचार्ज कोटा नीलिमा मैडम जो है सो उन्हों भी विज़िट करे, वो लोग भी जो है सो पूरा इंस्पेक्शन करके इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का जहाँ पे जो वायर यहाँ पे 420 हाई टेंशन वायर्स है उसके बारे में और वाटर वर्क्स के बारे में और ड्रेनेज लाइन जो है तकरीबन 30 साल पहले जो आबादी थी वही लाइन है, आज भी वही लाइन है और इलेक्ट्रिसिटी का भी जो प्रॉब्लम ब्रेक डाउन आ रहा कंटिन्यूस उसके लिए भी ट्रांसफार्मर के लिए बढ़ाने कैपेसिटी बढ़ाने के लिए बोले और यहाँ पे जो है मेन रोड पे पूरी ट्रैफिक जाम हो जाती है यहाँ से बलगमपेट रोड पे। तो उसके बारे में भी ब्रिज के नीचे से यू टर्न वगैरह लेने के लिए ये सब चीज़ का इंस्पेक्शन करके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को डायरेक्शन दे के वादा करके गए कि वो कराते बोल के। हम लोग यहाँ पर बहुत सालों से परेशान हैं और जो है सो प्रॉब्लम्स हो रहे, लॉ एंड ऑर्डर का भी हमारे को यहाँ पे कंटिन्यूस जो है सो चोरी वगैरह जो है घरों में सुबह के टाइम शाम के टाइम बाइक चोरी वो चोरी हो रही उसका भी प्रॉब्लम है। हम पूरे चीज़ों का कंप्लेंट जो है सो हम लोग किए, इसके ऊपर बहुत जल्दी एक्शन लेके इसके ऊपर काम करने के लिए हमारे को यकीन दिला के गए हुए। इसके मुकाबला कैसे कर रहे हैं आप? हम गवर्नमेंट से प्रेजेंट और यहाँ के प्रेजेंट जो भी इंचार्ज है MLA है जो भी है हम सबको रिक्वेस्ट कर रहे, हम तो डिपार्टमेंट्स को कंप्लेंट करें लेकिन जो आके हमारी मदद करेंगे हेल्प करेंगे हम उनसे हेल्प लेने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपने देखा नाजरीन क्या हो रहा है देश और दुनिया में, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमें दीजिए इजाज़त।